लाया अपार्टमेंट ठहरने से 30 लोग मलबे में दबे, दो की गई जान। घटनास्थल पर मलबे में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कानपुर कमिश्नर बीपी ने पुलिस कर्मियों को दिलाई शपथ। प्राइवेट ट्रामा सेंटर में तिरमादारों और स्टाफ में हुई मारपीट, पुलिस अधिकारियों को मामले की जांच के लिए दिया आदेश। दलित परिवार के दो पक्षों में मारपीट, गवाह बना युवक को पड़ा भारी, घर की महिला के साथ विपक्ष ने की अश्लीलता। रामचरितमानस पर हुई टिप्पणी, मचा घमासान, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, यहां हजरतगंज वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट अचानक ढह गई। हादसे में दो लोगों की मौत, करीब 30 लोग मलबे में फंसे हुए हैं। 14 लोगों को सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने बताया कि कई लोग बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरे मामले में याजदान बिल्डर, जमीन मालिक नवाजस मंजूर और सहयोगी मोहम्मद तारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सपा नेता शाहिद मंजूर के बेटे को गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी एलडीए की भूमिका की समीक्षा कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु साथ में जुड़ेंगे। विभांशु, क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रही है, याजदान बिल्डर पर कार्रवाई की गई है? जी, आपको बताया कि अलाया अपार्टमेंट का रेस्क्यू का जो चल रहा है ऑपरेशन, उसमें 19 घंटे हो चुके हैं, 20 घंटे पूरे होने को हैं। वहीं आपको बता दें कि 5 मंजिला ये इमारत, इसमें बताया जा रहा था कि लगभग 7 परिवार रह रहे थे। साथ ही अगर बात की जाए तो अभी लगभग 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 2 लोग इसमें मृत पाए गए हैं। आपको बताया कि मुंबई की टीम लगातार बिल्डिंग में पोल बनाकर और कैमरा और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे चप्पे पर निगाहें बनाई है कि जल्द से जल्द हम रेस्क्यू कार्यक्रम को पूरा करें। साथ ही अगर बात की जाए तो पुलिस के आला अधिकारियों की निगरानी में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बिना अभी सूचना मिली है कि बिना नक्शे के खुदाई करवाने की वजह से इमारत गिरी है। वहीं आपको बताएं कि जो इसे पूरे विध्वंस के अंदर में जो पीड़िता हैं उनका भी बयान आया है। उन्होंने बताया है कि 20,000 रुपए प्रति वाहन जो घर के स्वामी थे उनसे लिया गया है मरम्मत के नाम पर, और बेसमेंट के अंदर में खुदाई चल रही थी। तो इससे साफ है जो रेस्क्यू से बचा है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बिल्डिंग के अंदर में खुदाई का कार्यक्रम चल रहा था। आपको बताएं कि इसमें पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जो जांच कमेटी गठित की है, उस जांच कमेटी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जांच कमेटी पूरे हर एक पहलुओं को देखेगी, जानेगी, समझेगी और हफ्ते दिन के भीतर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बताएं कि अगर बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन के में अभी फिलहाल एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी बिल्डिंग का मुआयना करने पहुंचे हैं और उनका कहना है कि बिल्डिंग 2010 में गिराने का आदेश जारी हो चुका था और बिल्डिंग का नक्शा बिल्कुल भी पास नहीं था। तो ये साफ हो चुका है कि बिल्डिंग का नक्शा, जहां के एलडीए वीसी का बयान के बाद ये साफ हुआ है कि जो बिल्डिंग का नक्शा है वो बिल्कुल पास नहीं किया गया था। और 2 अगस्त 2010 को एलडीए की तरफ से नोटिस भी आदेश जारी करते हुए आदेश दिया गया था, मगर कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारान की वजह से, जो गैर जिम्मेदारी इसमें देखने को मिली है, जिससे कहीं ना कहीं जो लगभग दर्जनों लोग हैं उनके सपनों का जो घर था वो ध्वस्त हो गया है और कहीं ना कहीं वो अब परेशान और विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी से पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि अमरोहा में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र खड़गवंशी ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान की निंदा की है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की बौखलाहट का नतीजा है।
नमस्कार, मैं विनीत अग्रवाल। आज अमरोहा जनपद के गंगेश्वरी ब्लॉक के वरिष्ठ भाजपा नेता जो ब्लॉक प्रमुख है राजेंद्र खड़गवंशी, उनसे बातचीत करने के लिए आया हूं। एक बयान आया था अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा रामचरित मानस को लेकर बयान दिया गया था, उस पर चर्चा करेंगे। जी बताइए, जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति का बहुत छेड़खानी कर रहे हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ कठिन कार्रवाई की जाए। और ये समाजवादी वाले बौखला गए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024। जो है भाजपा उत्तर प्रदेश में 80 सीट में से 80 सीट हमारा लक्ष्य है, जो हम इसे पूर्ण करेंगे। अच्छा, बात की जाए तो अभी स्नातक चुनाव है, आप भी लगे पड़े हैं, आपको भी जिम्मेदारी मिली है, तो स्नातक चुनाव की जो वोटिंग है वो 30 तारीख को है, उसे ले जा कहेंगे? स्नातक चुनाव में 30 तारीख में वोटिंग है, जिसमें हमारे पांच प्रत्याशी हैं भाजपा के, जिसे हमने ये लक्ष्य रखा है पांचों के पांच भाजपा के MLC बनेंगे, जो हमारे उत्तर प्रदेश का नाम होगा। तो इसके अलावा जो है आप कोई और संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये सब अखिलेश यादव की चाल है, जो स्वामी प्रसाद जब हमारे जो रामचरित मानस है बहुत युगों से प्रसिद्ध है, जो हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं चाहता हूं कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए और ऐसे आदमी को जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, तो ये थे गंगेश्वरी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र खड़गवंशी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विनीत अग्रवाल, Prime TV, अमरोहा। कानपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग इस साल पूरे देश में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। वर्ष 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पहली बार 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की थी, जिसके चलते कमिश्नर BP जोगदंड और ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश ने पुलिस कार्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई। आज मतदाता के संबंध में शपथ ग्रहण समारोह था। इस शपथ का आशय ये था कि संवैधानिक ढांचे के अनुसार जो रूपरेखा दी गई है उसके अनुसार निर्भीक होकर धर्म भाषा आदि के भेदभाव को भुलाकर निष्पक्ष रूप से मतदान हम सभी करेंगे। यही शपथ हमने सभी पुलिस कर्मियों को दी है, स्वयं शपथ ली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ेंगे। अनिल, कानपुर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। जी, मैं बता दूं कि आज कानपुर पुलिस ऑफिस में मतदाता दिवस मनाया गया। बता दूं कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने 25 जनवरी 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की थी, जिसकी कानपुर में बखूबी जिसको कानपुर मनाया गया। और इस बता दूं कि जितने भी पुलिस अधिकारी थे सभी को पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने शपथ दिलाई है, और साथ ही वे भाषा और जाति को भूलकर एक प्रकार से सही तरीके से मतदान करने के लिए सभी को शपथ दिलाई। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। खबर बुलंदशहर से, जहां शिकारपुर नगर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि रैली का शुभारंभ शिकारपुर के तहसीलदार CP पांडे ने फीता काट कर किया। रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग भी किया। वहीं नगर में भी लोगों को पंपलेट वितरण कर जागरूक किया गया। तहसीलदार ने छात्र छात्राओं को मतदाता दिवस के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। इस नगर के लगभग समस्त विद्यालयों ने इस मतदाता जागरूकता रैली में प्रतिभाग किया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके प्रतीक रूप में 25 जनवरी 2011 से मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। 25 जनवरी 2011 से लेकर आज तक मतदाता जागरूकता दिवस मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता रहा है। आज इस नगर शिकारपुर में तहसील प्रशासन की आवाहन पर नगर के समस्त विद्यालयों ने 13वां मतदाता जागरूकता दिवस रैली के रूप में मनाया।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल जुड़ेंगे। विशाल, बुलंदशहर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था जिसमें छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। नंदी जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर नगर में मतदाता जागरूक रैली निकाली गई और जिसमें की छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया है और रैली का शुभारंभ अनाज मंडी से लेकर नगर में व्यवहार करते हुए शुभारंभ किया था। इंटर कॉलेज के समापन हुई किया गया था। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। अयोध्या में एक दलित परिवार के दो पक्षों के बीच हुई लड़ाई में गवाह बनना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले गांव के दो पक्षों में कब्जेदारी को लेकर विवाद हुआ था जिसमें एक युवक और उसके परिवार ने पुलिस के समक्ष गवाही दी थी। पीड़िता ने कहा कि एक पक्ष की गवाही के रंजिश के चलते आरोपी पक्ष ने शराब के नशे में हमला कर दिया। वहीं पीड़िता और उसके परिवार के आपत्ति जताने के बाद विपक्षियों ने पीड़िता के साथ हैवानियत करने की कोशिश की है, जिसके बाद काफी गुहार लगाने के बाद उसकी अस्मत बची। मौके पर पहुंची पुलिस ने अगले दिन पीड़िता को थाने में बुलाकर उसकी तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। कल उधर जा रहे थे अपने गांव में, लोग पार्टी कर रहे थे तो नाम लेके घर जा रहे थे। लोग लक्ष्मी थी, गाली गलौज कर रही थी तो नाम लेके कह रही थी हमारे आदमी का कि जमा कर रहे हैं, इसलिए हम बोले तो लोग हमको ढकेल दिए। उसके बाद हमारा लड़का आया, उसको भी मारे। वही सब लोग, लक्ष्मी और राजा राम, रामजीत, राजित राम, अगुड़िया, अपनीता। फिरोजाबाद में प्राइवेट ट्रामा सेंटर लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है। आपको बता दें कि ट्रामा सेंटर में भर्ती पिता को देखने गई बेटी के साथ महिला गार्ड की मारपीट कर दी है। पिटाई के बाद महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, मैं अपने पिताजी को देखने आई थी। कहाँ पर? ट्रामा हॉस्पिटल में। कौन सा? प्राइवेट? प्राइवेट में। क्या हुआ फिर? सर, मैं मेरी दीदी साथ में बोली, चल मैं तुझे बताने पापा कौन से रूम है, तो वो मुझे साथ लेके गई थी बताने के लिए। तो सर इन्होंने कहा था ये वाला रूम है, इसे यहाँ चले जाना बेटा। मैं ठीक है, तो एक बोली थी मेरी दीदी से, तू बार बार आती अपने शक्ल दिखाने के लिए। किसने बोला? वो यहाँ पर बैठी हुई थी जो गार्ड महिला होती है ना, उसने बोला था सर। तो उसके बाद फिर मेरी दीदी ने बोला आप प्यार से बात कर सकती हो, हम अभी जा नहीं रहे, हम उसको बताने के लिए आए, ये रह गई है ना अपने पिताजी को देखने के लिए आई है। तो उसने बोला तू हमें प्यार से सिखाएगी, तू हमें बताने आई है यहाँ पे प्यार से बात बताने के लिए, हम जानते नहीं। इतने पे एक लड़की आई, उसने हाथापाई करने लगी, उसने धक्का मार दिया, मैं गेट से टकरा गई और मेरा पाल पकड़ के नीचे डाल दिया। मुझे हुआ था कि मुझे पर्चा दिया, मैं दवा लेने जा रहा था तो मेरी सिस्टर यहाँ खड़ी थी, मेरी दोनों सिस्टर थी, माताजी भी थी मेरे साथ में, तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाली थी खड़ी हुई थी यहाँ पर। कितने लोग थे? करीब 2-3 लोग यहाँ की थी, एक उधर की सिक्योरिटी थी, लड़की जो थी लेडीज थी उसके साथ में। तो सिस्टर से मतलब स्माइल में बात कर रही थी दीदी कि मेरा पेशेंट है, मेरा भाई गया दवा लेने के लिए, आप मुझे जाने दीजिए। इतने में सिस्टर चल निकल बाहर जाकर यहाँ से, तो दीदी आप प्यार से तो बात कर लीजिए। इतनी देर में उधर थप्पड़ मारा और मेरी सिस्टर को पकड़ के इसमें जड़ मारा, तब तक दो लड़के और आगे उनके साथ में स्टाम में थे, जिन्होंने इनका अक्सर फट गया वहाँ पर और उसके थोड़ा मतलब नाक में भी और सिस्टर की चेस्ट में। जिसने मारपीट की वो यही का स्टाफ है? हाँ, यही का स्टाफ है। दो लड़कियाँ जो थी, एक लड़की यहाँ की थी, दो लड़के और स्टाफ में थे, आए थे। जी सिस्टर, मैंने पहचान लिया और वो अभी मैं अंदर गई थी। वो अभी इन्होंने मारा था, लड़के तो सर गायब हैं, वो लड़के यहाँ। जी सिस्टर, पहचान। मैं ऐसे करके चलने लगी हूँ, तब तक इसको धक्का मार दिया दूसरी पेशेंट जो महिला थी उसने, ये जीने पे गिर गई, जीने पे गिर गई। मैं इसको बचाने गई हूँ, फिर मुझे पता नहीं कितने लोगों ने हम लोगों को दबा रखा वहाँ पे, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। दूसरे IC4 से भी दो लड़के आए, मैंने नहीं देखा लड़कों को क्योंकि मैं तो नीचे दबी थी, और लड़कों ने देखा, महिलाओं ने वहाँ के तीमारदार जो खड़े थे उन्होंने देखा कि लड़के भी थे। और 4 नंबर के IC से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना मेरी कोई बात हुई, ना मुझे लेना देना, लेकिन वो लोग आए तो ये बड़ा मतलब ऐसा लगा कि ये लोग हमें ही पेशेंट कर देंगे। दोनों बहनों को मारा आपको? दोनों बहनों को। मेरे को जो संज्ञान में आया है उसके अनुसार अभी तक मेरे पास नहीं आई, केवल और केवल स्टाफ और कार्ड ने ही बताया है। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट की है, पुलिस अपनी जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो करे। हमारे अपने हॉस्पिटल स्तर पर इस गार्ड को यहाँ से
तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया और जो भविष्य में कभी काम कर नहीं पाएंगे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।